हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मेरी जो आज की एंट्री थी और आज का जो प्रॉफिट था उसके पीछे का लॉजिक, और मैंने एंट्री कहाँ ली, कैसे ली। तो सबसे पहले अपन चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है 37,800 के समथिंग कुछ लेवल है इसका। तो यहाँ पे मार्केट ने दो बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे एक अच्छा सा शार्प डाउन मूव दे के मार्केट ने यहाँ ऊपर क्लोजिंग दी। फिर जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, अपन ने ट्रेड लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आज का जो प्रॉफिट है वो समथिंग कुछ 4,000 रुपये के समथिंग है। तो आज क्या RBI की क्रेडिट पॉलिसी थी, उस हिसाब से क्वांटिटी कम थी, बाकी थोड़ा सा प्रॉफिट और बड़ा हो सकता था। और आज का जो बुलिश ट्रेड लेने के पीछे का जो रीज़न है वो एक साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि कंटिन्यूस मार्केट में इतने दिन से सेलिंग प्रेशर आ रहा था, तो आज एक ग्रीन कलर का कैंडल एक्सपेक्टेड था। तो ये जो देखो आप चार्ट पे दिख रहा होगा आपको, जो ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है इतना बड़ा, तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल, क्योंकि इतने दिन से सिंगल लाइन में मार्केट कभी भी कहीं नहीं जाता, तो यहाँ से अब कहाँ जाए मार्केट ये किसी को नहीं पता, लेकिन अपने को बस पैसा कमाना है, पैसा बनाना इम्पोर्टेंट है। मार्केट कहाँ जाए उससे अपने को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और चार्ट को हमेशा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना चाहिए, सिंपल रखना चाहिए। यहाँ अपन ने ना तो किसी इंडिकेटर का यूज़ किया, ना कोई ज़्यादा ऐसा मूविंग एवरेज देखे, कुछ नहीं देखा। यहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन देखा, यहाँ पे मार्केट ने बार बार इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया, ये वीक वन जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ और अपन ने ट्रेड ले ली। रीटेस्ट का वेट करना चाहिए था, 38,000 के समथिंग रीटेस्ट का वेट करना था, लेकिन अपन ने थोड़ी एग्रेसिव एंट्री ली, तो अपन ने जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और एंट्री ले ली थी। तो यहाँ पे अपने को 4,000 का प्रॉफिट हुआ। तो और यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन है ये ड्रॉ कर रखी है ओनली, बाकी और कोई इंडिकेटर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं रहती है ट्रेडिंग में। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।